अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोनिया इमरान। आज बड़ी ज़बरदस्त सी गर्मियों की सब्ज़ी टिंडों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, और बड़े ही मज़े के बनेंगे। आपको देख के मुँह में पानी भी आ रहा होगा। और बड़ी आसान रेसिपी शेयर करूँगी। टिंडे दो तरह से बनाए जाते हैं। एक तो है कि आप इसको अंदर से खोखला करके बीज निकाल के मसाले में बना के फिर फ्राई करके पकाते हैं। और आज मैं बड़ी आसान और झटपट बन जाने वाले टिंडों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और बहुत ही ज़्यादा मज़े के और 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो टिंडों के लिए मैंने आधा किलो लिए हैं, वॉश कर लिए हैं टिंडे अच्छी तरह से। और इसके साथ मैंने लिया है 2 बड़े प्याज मीडियम साइज़ के, बारीक चॉप कर लीजिए। और ये पेस्ट है, इसमें 3 से 4 अदद जवे लहसुन के हैं, 2 बड़े टमाटर हैं, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च ली हैं, और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेकर इसको मैंने पेस्ट बना लिया। अब हमने प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, सॉफ्ट कर लेना है, गोल्डन नहीं करेंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इसको भून लीजिए। और साथ ही हम इसका मसाला बनाएंगे। नमक लिया है 1 चम्मच, हल्दी है, लाल मिर्च, ज़ीरा, चाट मसाला, और इसके साथ मैंने ये सूखा धनिया ले लिया है। अब टिंडों को हमने दरमियान में से कट लगाने हैं इस तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ऊपर ऊपर रख के आपने कट लगाने हैं। और इसके अंदर हमने जो मसाला मिक्स किया है एक बाउल में, ये सारे मसाले जो हैं हमने इसके अंदर फिल कर देने हैं। तो इसी तरह सारे टिंडों को आप फिल करते जाइए। प्याज को भी आप साथ साथ देखते रहिए, नीचे ना जलने ना पाए। अब ये टमाटर की पेस्ट, लहसुन अदरक सब मिर्च की जो बनाई थी, इसको हमने प्याज के अंदर डाल के फ्राई कर लेना है। और टिंडों को भी मैंने भर लिया है सारे टिंडों को, और ये थोड़ा सा मसाला जो बच गया है हमने इसको ज़ाया नहीं करना, ये हमने मसाले के अंदर डाल देना है। जितना भी मसाला बच जाएगा आपका सूखा मसाला जो आपने बाउल में बनाया आपने वो इसमें डाल देना है। एक्स्ट्रा मसाला मैं नहीं डालूँगी, मैंने बैलेंस रख के डाला है। जितना हमने डेली रूटीन में खाने में यूज़ करते हैं मसाले, वो मैंने एक बाउल में पहले से ही बना लिए थे। अब हमने जो टिंडे भर के रखे थे वो इसके अंदर डाल देंगे। हल्का सा इसको हिला दीजिए। और एक प्याली मैंने दही लिया है, और उसी के अंदर एक प्याली मैंने पानी मिक्स करके अच्छी तरह फेंट के वो इसके अंदर डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और इसके बाद आपने इसको 5 से 7 मिनट प्रेशर लगाना है। प्रेशर लगाने से जल्दी गल जाएंगे। और ये देखिए जी, ज़बरदस्त से हमारे टिंडे आपके सामने हैं, तैयार हैं। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दीजिए, और इसमें थोड़ा गर्म मसाला ऐड करेंगे, और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो आज की हमारी रेसिपी टिंडे रेडी हैं, भरे टिंडों की रेसिपी, बड़ी ज़बरदस्त। आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। खुदा हाफिज़।